नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को लोक भवन में आयोजित वृहद ऋण मेले के अंतर्गत 1.90 लाख हस्तशिल्पियों, कारीगरों और छोटे उद्यमियों को 16,000 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया। वहीं इस मौके पर सीएम योगी ने वर्ष 2022-23 के लिए 2.35 लाख करोड़ रुपए की वार्षिक ऋण योजना का शुभारंभ भी किया। कारीगरों और छोटे उद्यमियों को 16,000 करोड़ का लोन बांटते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम जल्द ही हर परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी, रोजगार, स्वतः रोजगार को जोड़ने की कार्य योजना लेकर आ रहे हैं। 2018 को हम लोगों ने प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक जनपद एक उत्पाद की योजना प्रारंभ की तो बहुत सारे लोगों को लगता था ये सब क्या कर रहे हैं, अचानक नहीं किया था, इस पे हमने शोध किया था, इस पे व्यापक कार्य योजना बनाई थी। और मैं तब भी इस बात को मानता था कि एक जनपद एक उत्पाद की योजना हमारे परंपरागत उद्यमियों के साथ साथ उत्तर प्रदेश को एक्सपोर्ट का एक हब बना देगा। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में, जिस उत्तर प्रदेश की 2016 तक एक्सपोर्ट कुल 80,000 करोड़ के आसपास थी, आज वो बढ़कर के 1,56,000 करोड़ रुपए तक। मिशन रोजगार शुरू हो गया है। वार्षिक ऋण योजना का आज शुभारंभ किया है। 2022-23 के लिए 2.35 लाख करोड़ रुपए की वार्षिक ऋण योजना का आज शुभारंभ किया गया है। साथ ही साथ कई लोगों को ऋण मुहैया भी कराया गया है। 16,000 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया है। आपको बता दें कि ये ऋण हस्तशिल्पियों, कारीगरों और छोटे उद्यमियों को बांटा गया है। 1.90 लाख हस्तशिल्पियों, कारीगरों और छोटे उद्यमियों को 16,000 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया है और उनको रोजगार से जोड़ने का रास्ता साफ किया गया है। इस ऋण को वितरण करने के साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि सभी को रोजगार स्वरोजगार से जोड़ने के लिए हम कार्य योजना लेकर आए हैं। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव, वार्षिक ऋण योजना का शुभारंभ किया है, पिछले वर्ष के ऋण योजना से इस बार का कितना अलग है योजना? गौरव, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जब से सरकार योगी सरकार सत्ता में आई, दो सत्ता की हम बात करें तो अपने मुख्य योजना, आपको मेरी आवाज आ रही है जी? गौरव, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तो मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से इस बार का वार्षिक ऋण योजना का शुभारंभ किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने, तो पिछले वर्ष से इस वर्ष का वार्षिक ऋण कितना अलग है और कितना बढ़ाया गया है? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मिल रही है। उनकी एक कार्य योजना थी 151 प्रोडक्ट, ODOP, और ODOP के माध्यम से लगातार निर्यात को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा था, जिसके तहत अगर हम पहले कार्यकाल की बात करें तो लगभग जो उस कार्यकाल की 2017 में जो कार्यकाल था उसमें उन्होंने लगभग 80,000 करोड़ का जो है। मैं आपको बता रहा हूँ की जब 2017 में योगी सरकार आई थी तो उनकी एक अलग योजना थी 1 District 1 Product, ODOP, और ODOP के माध्यम से लगातार निर्यात को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा था, जिसके तहत अगर पहले कार्यकाल की बात करें तो लगभग जो उस कार्यकाल की 2017 में जो कार्यकाल था उसमें उन्होंने लगभग 80,000 करोड़ का जो निर्यात किया गया था। उसके बाद जो पहले होता था कार्यकाल और जो पहले दूसरे कार्यकाल की अगर हम बात करें शुरुआत हुई है उसमें लगातार ये प्रयास किया जा रहा है किस तरह से इसको बढ़ाया जाए, जिसके तहत 2.35 लाख का वार्षिक ऋण योजना की शुरुआत की गई है। और आज भी योगी आदित्यनाथ ने अपने लोकभवन में और जो उद्यमी थे, हस्तशिल्पी हैं, कारीगर हैं, उनको लगभग 1.90 लाख जो कारीगर वहां पर आए हुए थे उनके लिए ऋण बांटे गए हैं और लगभग 1.65 लाख के ऋण वहां पर बांटे गए हैं। आने वाले समय में 2.35 लाख की वार्षिक ऋण योजना की
शुरुआती मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, उन्होंने कहा है कि लगातार ODOP के माध्यम से हम निर्यात को भी बढ़ा रहे हैं। जो निर्यात पहले 80,000 करोड़ होता था, अब उस निर्यात को हम 1.56 लाख करोड़ पर ले आए हैं, और लगातार प्रयास ये रहे हैं कि ऋण के माध्यम से छोटी उद्यमियों को आगे बढ़ाया जाए, और ODOP के माध्यम से जो सरकार की जो निर्यात पॉलिसी है उसको बढ़ाकर हम जो स्वरोजगार है उसको भी बढ़ाएँ। आने वाले समय में भी हम एक ऐसी योजना लेके आ रहे हैं जिससे प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को नौकरी, रोजगार या स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। जी गौरव, अगर इस ऋण की बात करी जाए तो इस ऋण को पाने के लिए लोगों को किस किस रोजगार से जुड़ा होना चाहिए, इनके क्या कुछ मानदंड है जिनके आधार पर लोगों को ये ऋण मिल सकता है, और किस तरह से इसका भुगतान करेंगे ऋणदाता? देखिए, जो MSME की जो योजना है उसके तहत छोटे लघु उद्योग कर्मी हैं, जो छोटे कर्मी हैं जिनकी खुद की मिनी यूनिट है, या है जो हस्तशिल्पी हैं, जो कारीगर हैं, उनके लिए छोटे छोटे जो यहाँ पर ऋण के प्रावधान किए गए हैं, जिसके तहत 1.90 लाख लोगों को इसमें जोड़ा गया है, और उनको 16,000 करोड़ से ज़्यादा का ऋण उनको बांटा गया है। तो यहाँ पर एक प्रयास सरकार का ये है, जो छोटे उद्यमी हैं, छोटे हस्तशिल्पी हैं, छोटे कारीगर हैं, इनको बढ़ावा दिया जाए, जिससे ये जो ODOP योजना सरकार की चल रही है उसमें निर्यात पॉलिसी को बढ़ावा दिया जा सके। क्योंकि जब छोटे छोटे उद्यमी, छोटे छोटे हस्तशिल्पी, छोटे छोटे कारीगर काम करेंगे, स्वरोजगार करेंगे, अपने जो उनका कारखाना या जो उनका स्वरोजगार है उसको बढ़ावा देंगे, तो निश्चित स्वरोजगार की जो भावना है वो भी जागृत होगी। साथ ही साथ जो बेरोजगारी दर है, जो कि योगी आदित्यनाथ ने कहा जो पिछली सरकार में 2017 से पहले बेरोजगारी दर थी वो 18% थी, और आज के समय में जो योगी सरकार काम कर रही है उसके तहत 2.90% पे बेरोजगारी दर पहुंच चुकी है, और सरकार की पॉलिसी है कि लगातार स्वरोजगार विकसित किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले समय में हम एक ऐसी योजना लेके आ रहे हैं जिससे प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार, स्वरोजगार या नौकरी से दिया जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़े हुए थे। तो वार्षिक ऋण योजना की शुरुआत कर दी गई है, और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वो हर परिवार को नौकरी, रोजगार, स्वतः रोजगार को जोड़ने के लिए, रोजगार से जोड़ने के लिए कार्य योजना लेकर आए हैं, ताकि कोई भी बेरोजगार ना रह सके, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए सक्षम बन सके। देश का सबसे बड़ा सूबा होने के नाते उत्तर प्रदेश को उत्तर ही देश की राजनीति की दशा और दिशा तय करता है, ये कहा जाता है। इसी कड़ी में NDA की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू देश के सबसे बड़े सूबे से चुनावी समर्थन जुटाने 8 जुलाई को लखनऊ आएंगी। मुर्मू यहां भाजपा के साथ ही सहयोगी दलों के विधायकों और सांसदों से भी मिलेंगी। इसके अलावा गैर भाजपाई दलों से भी वो समर्थन मांगेंगी। उनके दौरे को लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। NDA की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू अब जल्द ही उत्तर प्रदेश आएंगी। उत्तर प्रदेश में वो BJP के साथ साथ अन्य दलों के विधायकों, सांसदों से भी समर्थन मांगेंगी, और उनके दौरे को लेकर तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं, और अब देखना ये होगा कि जनता का कितना प्रेम और समर्थन मिलता है, साथ ही साथ विधायक और सांसद भी कितना समर्थन देते हैं द्रौपदी मुर्मू को। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू का उत्तर प्रदेश का दौरा है, ये कितना अहम माना जा रहा है, इसको लेके क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? जी शिखा, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति चुनाव में एक बड़ा रोल रखता है, ये देश का सबसे बड़ा सूबा है, और आपको बताएं कि राष्ट्रपति चुनाव की NDA की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 8 जुलाई को लखनऊ आ रही हैं, जहां मुख्यमंत्री आवास में वो BJP के घटक दल जो हैं, जो उनके सहयोगी दल हैं, उनके साथ और BJP के नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे, जिसमें कई केंद्रीय मंत्री और साथ ही साथ विधायक और सूबे के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। वहीं आपको बताएं कि राष्ट्रपति चुनाव में अगर बात करें तो एक विधायक का जो मूल्य है वो 208 होता है, वहीं सांसद की बात करें तो 700 होता है, वहीं अगर राज्यसभा और इन सबको जोड़ के देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर में 1,21,000 वोटर हैं, जो अंक होते हैं 1,21,000 हैं।
तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश चुनाव, उत्तर प्रदेश जो है वो राष्ट्रपति चुनाव में एक बड़ा योगदान रखता है। साथ ही आपको बताएं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसे पूरे जो बैठक है इसकी अगवानी करेंगे और 8 तारीख को जो द्रौपदी मुर्मू एनडीए की प्रत्याशी आ रहे हैं उनके स्वागत की तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। और माना ये जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो यूपी बीजेपी की जो घटक दल है उसमें बात की जाए तो अपना दल साथ ही साथ निषाद पार्टी के भी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे और इन सभी से अपना समर्थन द्रौपदी मुर्मू मांगेंगे। वहीं आपको बताएं कि लखनऊ समेत वो देश के कई राज्यों में जा रही हैं जहां वो समर्थन इकट्ठा करेंगी और उसी क्रम में वो 8 तारीख को यहां आ रही हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि उन्हें कितने मत उत्तर प्रदेश से मिलते हैं। जी उत्तर प्रदेश के बाद कहां जा सकती हैं दौरे पर द्रौपदी मुर्मू? विभांशु, कोई जानकारी? जी शिखा, आपको बता दें तो वो अगर देखा जाए तो मूल रूप से द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा से आती हैं और वहाँ बीजू दल के नेता नवीन पटनायक पहले ही उन्हें समर्थन कर चुके हैं। साथ ही आपको बताएं कि वो तेलंगाना भी जाएंगी, साथ ही साथ वो बीजेपी शासित प्रदेशों में जाएंगी। वहीं माना ये जा रहा है कि जो बीजेपी से बाहर रह के द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर रहा है उन सब जगहों पे जाएंगी। और आपको बताएं कि कश्मीर से लेकर और वो अगर बात करें तो तमाम राज्यों में जाएंगी और वहां समर्थन इकट्ठा करेंगी। और राजस्थान जहां की कांग्रेस से शासित प्रदेश है वहां भी उनके भ्रमण कार्यक्रम रखे गए हैं और आने वाले दिनों में द्रौपदी मुर्मू हर एक राज्यों में जाएंगी, साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेशों में भी जाएंगी। जी उत्तर प्रदेश में द्रौपदी मुर्मू के स्वागत में कौन कौन से बड़े और मुख्य चेहरे रह सकते हैं? विभांशु, जी शिखा आपको बताया कि जब उत्तर प्रदेश आएंगी 8 तारीख को तो सूबे के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम जो हैं वो मौजूद होंगे, साथ ही साथ मंत्रिमंडल के कई बड़े चेहरे होंगे। वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल की बात करें तो उनके भी आने की आशंका है। साथ ही आपको बताएं कि जो घटक दल है बीजेपी के उसके सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। मगर देखने वाली बात ये होगी कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर में 1,21,000 जो अंक बन रहा है जो सांसद और राज्यसभा सांसद साथ ही साथ विधायकों का उसमें कितना उनको मिलता है। साथ ही माना ये जा रहा है कि जो बीजेपी के जो बीजेपी शासित प्रदेश है साथ ही साथ जिन्हें अन्य दलों से भी समर्थन मिला है, चाहे बात की जाए वाईएसआर की, चाहे बात की जाए बीजू दल की, चाहे ऐसे कई सारे जाति जनजाति आदिवासी पार्टियों का भी समर्थन मिला है, क्योंकि जो राष्ट्रपति की उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू एनडीए की तरफ से वो एक आदिवासी समाज से आती हैं और पहली बार भारत के इतिहास में हो रहा है कि कोई आदिवासी समाज का व्यक्ति को चुनकर राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया है। और माना यह जा रहा है कि उनके सामने विपक्ष के तौर पर यशवंत सिन्हा है जिनका भी नॉमिनेशन हाल ही में अभी संपन्न हुआ है और आने वाले जुलाई में 24 जुलाई को चुनाव होने हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता विभांशु मणि त्रिपाठी जुड़े थे लखनऊ से। देवरिया में एक महीने में एक के बाद एक 10 हत्याओं से जिले में खौफ का माहौल है। मानो जैसे बेखौफ अपराधियों में पुलिस का कोई डर नहीं रह गया हो। आपको बता दें कि आज देवरिया जनपद के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के गजपुरवा में जमीनी विवाद को लेकर बुजुर्ग व्यक्ति को कुदाल से मौत के घाट उतार दिया गया। बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। वही पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। अपराधियों में कानून का कोई भय नजर नहीं आ रहा है। एक महीने में 10 हत्याएं हुई हैं जिससे इलाके में पूरी तरह से हड़कंप मच गया है। जमीनी विवाद को लेकर बुजुर्ग को भी मौत के घाट उतार दिया गया है। देवरिया से ये खबर सामने आ रही है जहां एक नहीं दो नहीं 10 हत्याएं करी गई हैं और कहीं ना कहीं ये बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं। और देवरिया से हमारे संवाददाता रवि रावत जुड़ चुके हैं इस खबर पे। रवि, 10 हत्याएं, इसके बाद पुलिस महकमे का क्या हाल है ये जानना चाहेंगे और क्या इन हत्या
महिलाओं में कोई कनेक्शन है ये भी जानकारी चाहेंगे। पुलिस नाकाम दिख रही है यहाँ पे, और आपको बता दें कि देवरिया जनपद में एक महीने में 10 हत्याएं जैसी वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया है। पहली घटना 31 मई की आपको बता दें कि जहाँ साली और पत्नी ने मिलकर पति की हत्या किए थे, वही 11 जून को दो दो हत्याएं देवरिया में एक खामपाट थाना क्षेत्र में बलिष्ठर यादव की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। वही एक आशेष्टा मालिक को भी धारदार हथियारों से गला रेतकर हत्या कर दिया गया था। और आपको बता दें कि देवरिया जनपद में लगातार ऐसी हत्याओं को बदमाश का हौसला बुलंद होते नजर आ रहा है, वैसे हत्याओं को अंजाम दे रहा है। और आपको बता दें कि देवरिया जनपद में 14 जून की घटना है जहां रुद्रपुर थाना क्षेत्र में बाप बेटे की भी धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। वहीं 19 तारीख में बघोजधार थाना क्षेत्र के जमीनी विवाद में महिला की पीट पीट कर बेरहमी से हत्या कर दिया गया था। वहीं आपको बता दें कि 25 तारीख में तरकुलवा थाना क्षेत्र में पुरानी रंजित को लेकर बुजुर्ग की हत्या कर दी गई थी। वहीं 28 तारीख में महुआडीह थाना क्षेत्र के चूरिया खास में एक बुजुर्ग की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। और आज की मैं घटना बता दूं कि आज 30 तारीख है और देवरिया जनपद के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के गजपुरवा में एक बुजुर्ग की जमीनी विवाद को लेकर सुधार से पहाड़ किया गया था, जिससे बुजुर्ग की ही मौके पर ही मौत हो गई थी। जी रवि, तो क्या है इन 10 हत्याओं में सबसे ज्यादा मामले जमीनी विवाद को लेकर हैं, और इन 10 हत्याओं में पुलिस ने अब तक कितने मामले सुलझा लिए हैं? जी कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि सबसे ज्यादा विवाद इस समय जमीनी विवाद को लेकर ही हो रहा है। और यहाँ पर देवरिया के SP संकल्प शर्मा के दिशा निर्देशों पर उनके ही पुलिसकर्मी पानी फिरते नजर आ रहे हैं। और देवरिया SP ने अभी मतलब जितनी हत्याएं हो रही हैं खुलासा तो कर दिया जा रहा है, हत्यारोपितों को सजा तो मिल रही है, लेकिन अपराधियों का हौसला बुलंद होते नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर में हमारे साथ संवाददाता रवि रावत जुड़े थे देवरिया से। खबर रायबरेली से है, जहां स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिला अस्पताल में मरीजों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा है। बिजली न होने से पूरे परिसर में अंधेरा छाया रहा, जिसके चलते मरीजों को ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाई और ऑक्सीजन की कमी होने से 2 मरीजों की मौत हो गई, जिसके बाद जिला अधिकारी ने अस्पताल का निरीक्षण कर CMS के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए है। सर, किस तरह की समस्याएं आ रही हैं लाइट न होने की वजह से? लाइट न होने के कारण जो भी एक्सीडेंटल आ रहे हैं उनका स्टिचिंग वगैरह करने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो सर कैसे इलाज कर रहे हैं आप लोग? मोबाइल की रोशनी, टॉर्च की रोशनी और कैंडल जला के किया जा रहा है। ये सूचना प्रातः मिलने पर हमने अपने अधिकारियों के साथ जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। लोगों की शिकायत इस बात को लेकर थी कि वहाँ पे कल जैसे आंधी तूफान रात में बरसात के समय बिजली चली गई थी, तो वहाँ पे कई लोगों का ये कहना था कि बिजली बीच में कटी और जनरेटर समय से नहीं चलाया जाता है वहाँ के CMS द्वारा। उन पर उनसे लोग वहाँ के स्टाफ में भी ये बात सामने आ रही है, जहां अस्पताल में घंटों बत्ती गुल रहती है। और इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता अजय जुड़ चुके हैं। अजय, बिजली का संकट हर तरफ देखने को मिल रहा है, लेकिन अब बरसात का मौसम है, ऐसे में बिजली चली जाना और अस्पताल में समय से जनरेटर ना चलना और जिसकी वजह से मौत भी हो जाना, कितनी बड़ी लापरवाही और क्या कुछ एक्शन लिया गया इस पे? जी, आपको बता दूं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार कहीं नहीं स्वास्थ्य विभाग में कोई कमर बनाने की व्यवस्था में लगी हुई है, वहीं अगर बात की जाए जीरो ग्राउंड की, तो बात की जाए तो अभी आज भी जमीनी स्तर पर बद से बदतर बंदोबस्त होता जा रहा है हॉस्पिटल का, ये जो कर रवैया है। अगर बात की जाए रायबरेली जनपद की जिला अस्पताल की, तो जो आधी तूफान से बिजली गुल होने हो गई, उसके बाद जो है 4 घंटे 5 घंटे लगातार बिजली गुल रही, उसको लेकर के कहीं ना कहीं डॉक्टर और तीमारदार टॉर्च लेकर और पंखे बेना लेकर नजर आए, और जिसकी जानकारी जिला प्रशासन को हुई, DM साहब को हुई और वो मौके पर पहुंची। इसको लेकर उन्होंने जब वहां अस्पताल में एंट्री मारी तो लोगों के होश उड़ गए कि अचानक वो जिला अधिकारी यहां पर कैसे पहुंच गई। और उसके बाद देखा जाए तो कुछ मामलों को लेकर कुछ कमियों को देखते हुए फटकार भी लगाई, हालांकि जांच की गई, जो 2 मौतें हुई थी उसको ये झूठा पाया गया, क्योंकि जिस तरीके से वहां पे आरोप लगा था कि
ऑक्सीजन प्लांट की ऑक्सीजन की वजह से मौत हुई थी, अगर उसकी बात की जाए तो झूठा निकला। उसके बाद जो है कमियों के लेकर फटकार लगाई गई, सफाई को लेकर फटकार लगाई गई, और यही नहीं व्यवहार सुधारने को लेकर जो समय तीमारदारों से मरीजों से जिस तरीके से व्यवहार डॉक्टर करते हैं उनको लेकर भी फटकार लगाई गई। जी बिल्कुल, अगर बात करें जिला अस्पताल की तो और कौन कौन सी कमियां देखने को मिल रही है जिला अस्पताल में? जी बात की जाए तो कहीं ना कहीं पानी की व्यवस्थाएं जो हैं जल भराव हो जाते हैं उसको लेकर काफी फटकार लगाई गई है डीएम द्वारा, और कहीं ना कहीं देखिए सफाई गंदगी जो है वो कहीं ना कहीं फैली हुई है चारों तरफ, इसलिए अगर देखी जाए तो उसको भी लेकर एक एक खामियां निकल के आई है। और बात की जाए जनरेटर की तो वो जो एक शिकायत थी जनरेटर की बत्ती गुल हो जाने की, उसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो जनरेटर जो अवेलेबल है उसमें जो है तेल डालकर डीजल डालकर चलाया जाता है, तो कहीं ना कहीं इस पर लापरवाही बरती गई है। इस पर जिलाधिकारी ने फटकार भी लगाई की दोबारा ऐसी गलती ना हो, क्योंकि इसे रिपीट ना किया जाए, ऐसी खामियां के लिए फटकार लगाई गई है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ राय बरेली से संवाददाता अजय प्रताप सिंह जुड़े थे। चार बजे की चार बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।